अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हफीज है और आज मैं सदफ स्पून के चंद में आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में जिंगर बर्गर बनाना सिखाऊंगा। हरी मिर्च का पेस्ट 4-5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, पीसी मिर्च 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट 1.5 टी स्पून, चिली गार्लिक सॉस 6 टेबल स्पून, अब हम इसको मिक्स करेंगे। चिकन बोनलेस फिलेट, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम कोटिंग के लिए मैदा लेंगे। अब एक बाउल में पानी लेंगे, अब हम एक चिकन फिलेट लेंगे, इसको मैदे में डालेंगे कोटिंग के लिए। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे। अब हम इसको दोबारा मैदे में कोटिंग करेंगे। देखें हमारा कितना अच्छा सा चिकन पीस तैयार है। हम इसको यहाँ रख दिया और हम दूसरा लेंगे इसी तरह, फिर हम इसको मैदे में कोट करेंगे। इस तरह इसको उंगलियों से करना है ताकि सही तरह ये एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम इसको दोबारा पानी में ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर मैदे की कोटिंग करेंगे। पानी में सिर्फ एक दफा डिप करना है। और हम पानी में डिप इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। ये दूसरा पीस, और अब इसी तरह हम सारे पीसेस को तैयार करेंगे। ये चिकन फिलेट हमारे कोटिंग के साथ तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम घी लेंगे डीप फ्राई के लिए। अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको 2-3 मिनट एक साइड रखेंगे, फिर पलटेंगे, फिर 2-3 मिनट एक साइड रखेंगे। अब हम इसको पलटते हैं।
दो से तीन मिनट हमने एक साइड रखी, दो से तीन मिनट हमने एक साइड रखी, टोटल 5 to 6 मिनट में आपके चिकन फिलेट तैयार। हमने इसको नेट में लेके रख लिया ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। तो हम सबसे पहले लेंगे मायनीज, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, अब ये जिंगर के लिए डिप सॉस तैयार है। अब हम फ्राइज के लिए आलू लेंगे, अब हम उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्राइज को डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसको हाफ डन करके निकालेंगे। अब हम क्रिस्पी करने के लिए इसको दोबारा डालेंगे फ्राई होने के लिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये क्रिस्पी फ्राइज तैयार है। अब हम केचप लगाएंगे। हम इसको केचप को सही से बन पे लगा लेंगे इस तरह स्पैटुला से। अब हम इस पर आइसबर्ग रखेंगे। अब हम इस पे चिकन फिलेट रखेंगे। अब हम इस पे सॉस डालेंगे।
अब हम इस पर दोबारा थोड़ी सी ऊपर केचप डालेंगे। अब हम इसके ऊपर बन रख देंगे वापस। ये हमारा जिंगर बर्गर हो गया तैयार। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।